से हमारा वीडियो होने वाला है इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल पार्ट टू पे होने वाला है। और अभी तक आपने अगर पार्ट वन नहीं देखा है तो वो भी जाके आप देख सकते हैं, वीडियो में डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा। पार्ट वन में मैंने पूरी ओवरऑल जो चेसिस की जो भी डिजाइन थी मैंने उस वीडियो में कवर की है, और आज की इस वीडियो में जो सारी डिटेल जो बाकी रह गई थी पार्ट वन में वो इस वीडियो में कवर करूंगा। तो वीडियो के अंत तक रहना, काफी मजा आएगा, तो फटाफट वीडियो करते स्टार्ट। जो आप देख रहे हैं हमारी बाइक की चेसिस है, जो आगे वाला सेक्शन देख रहे हैं इसी के अंदर जो हमारी बैटरी आएगी। तो यहाँ पे लगभग हमने 288 सेल निकाल लिए हैं। तो ये जो सेल आप देख रहे हैं सभी जो है लिथियम आयन सेल इसमें हम यूज़ कर रहे हैं। फॉस्फेट के लिए यहाँ पे जगह नहीं है, क्योंकि फॉस्फेट में कैसा है कि थोड़ा स्पेस ज़्यादा चाहिए रहता है, और यहाँ पे हमको लगभग 200 किलोमीटर रेंज चाहिए इससे। तो इसके हिसाब से मैं 60 वोल्ट 90 एम्स की बैटरी यहाँ पे बनाने वाला हूँ। तो ये सभी सेल जो देख रहे हैं ऑलरेडी टेस्टेड है। गाइस, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट को बनाते वक्त कोई चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो वो है पीसीबी। पीसीबी आपका जितना बेस्ट रहेगा उतना आपका प्रोजेक्ट बेस्ट बनेगा। तो आज जो मैं आपको वर्ल्ड का सबसे ज्यादा यूज होने वाला मोस्ट ट्रस्टेड पीसीबी डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर के बारे में बताने वाला हूँ, जिसका नाम है एलटीएल डिजाइनर। आप जो इससे काफी आसानी से पीसीबी डिजाइनिंग कर सकते हैं। इसका इंटरफेस जो है काफी ज्यादा यूजर फ्रेंडली है, और तो और इनके पिछले 35 साल के इनोवेशन और डेवलपमेंट के बाद में आज जो है इनका सॉफ्टवेयर वर्ल्ड का मोस्ट ट्रस्टेड पीसीबी डिजाइनिंग सिस्टम है। तो इससे जो आप पीसीबी की छोटी छोटी डिटेल को भी एनालाइज कर सकते हैं। तो जो कोई इंटरेस्टेड है उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो यहाँ पे अगर आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स को भी अगर आप बाय करना चाहते हैं तो थाउजेंड्स ऑफ मैन्युफैक्चरर एंड हंड्रेड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर आपको जो ओक्टा पार्ट्स पे मिल जाएंगे। तो वहां से जाके जो आप डायरेक्टली इनसे परचेज कर सकते हैं कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम को। जो कोई इंटरेस्टेड है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, फटाफट जाके आप चेक करें। यहाँ पे फाइनली बैटरी जो है कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पे हमने इसको चेसिस में फिट कर दिया, इस तरीके से देख सकते हैं। We'll be right back.
यहाँ पे हमारी बाइक जो है ओवरऑल कंप्लीट हो चुकी है, तो मैं एक बार आपको सारे डिटेल बता देता हूँ। हालांकि मैंने इसके पहले डिटेल कवर किया है। तो ये पीछे जो देख रहे हैं ये हमारी जो है 1200 वोल्ट का हब मोटर है। ये हमारा सस्पेंशन हो गया। और पीछे अगर लाइट की बात करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो LED स्ट्रिप यहाँ पे हमने यूज़ किया, जिसमें लेफ्ट राइट सब कुछ है। यहाँ पे मैं आपको चला के भी दिखा देता हूँ, ठीक है, ये राइट ये लेफ्ट, ठीक है, इस तरीके से देख सकते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा सीट है। सीट के बाद में यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऑन ऑफ के लिए जो है यहाँ पे हमने की दे दिया है। तो यहाँ से जो आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, यहाँ से की निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये जो है अभी ऑन हो चुका है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मीटर में जो है पावर भी यहाँ पे आ रहा होगा। इस तरीके से यहाँ पे आपको लाइट भी दिख रहा है। अब यहाँ पे मैं आगे की हेडलाइट एक बार आपको चला के दिखा देता हूँ। इस तरीके से देखिए, तो ये देखिए ऑन ऑफ इंडिकेटर भी यहाँ पे दिया हुआ है। इस तरीके से राइट ये लेफ्ट हो गया, ठीक है। अब एक बार हॉर्न भी आपको मैं चला के दिखा देता हूँ, ठीक है। ये तो हमारा हॉर्न हो गया। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो थ्रोटल में यहाँ पे हमने 3 स्पीड मोड का भी ऑप्शन दिया है, रिवर्स फॉरवर्ड का दिया है। तो यहाँ से हम रिवर्स फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। हालांकि मैंने वायरिंग का वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो भी जाके आप चैनल पे देख सकते हैं। कंट्रोलर और बैटरी का भी फिटमेंट मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप जाके देखेंगे तो ये जो है ये हमारा कंट्रोलर है। हालांकि पार्ट वन में ये सभी चीजें मैंने आपको फिट करके उसमें दिखाया था, इसलिए इस वीडियो में मैंने कवर नहीं किया फिटिंग के लिए। वायरिंग का स्पेशल वीडियो मैंने बनाया है। और ये जो आप देख रहे हैं आगे हमने यहाँ पे बैटरी फिट कर दिया है। चार्जिंग पोर्ट की बात करूँ तो इसके नीचे जो हमने चार्जिंग पोर्ट दे दिया, तो यहाँ से खोल के जो हम यहाँ से पावर दे के इस जो बैटरी है हमारी नीचे जो फिट किया है इसको हम लोग चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा वीडियो जो कंप्लीट हो रहा है, उम्मीद है आपको वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा। तो यहाँ पे अगर आपको जो है वायरिंग का कोई भी डाउट हो तो इसके पहले ऑलरेडी मैंने इसके जो मोटर कंट्रोलर की एकदम डीपली वायरिंग का वीडियो मैंने बनाया है, उसका भी लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन कर दूंगा, तो वहां से जाकर आप देख सकते हैं, जिससे आपके सारे डाउट जो है क्लियर हो जाएंगे। और यहाँ पे अगर आपने अभी तक पार्ट वन नहीं देखा है जिसमें मैंने आपको ओवरऑल जो चेसिस डिजाइन करते हुए दिखाया है, एक पुरानी गाड़ी को किस तरीके से खोल के क्या क्या चीजें काटनी है, क्या क्या चीजें रिमूव करना है, वो चीजें मैंने उसमें कवर किए, तो वो चीज भी देख सकते हैं। और यहाँ पे 2-3 चीजें और है, तो यहाँ पे मैंने मेरे अकॉर्डिंग मैंने जो मुझे बाइक मिली मैंने उसको मॉडिफाई किया है। आप अपने हिसाब से जो आपके पास हो और आपके डिजाइन के हिसाब से थोड़ा बहुत अल्टरेशन कर सकते हैं। एक मैंने यहाँ पे आपको जो वीडियो में आइडिया देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया कि आप किस तरीके से आप खुद का अगर प्रोजेक्ट पर्पज के लिए अगर किसी पर्पज के लिए बनाना चाहते हैं तो किस तरीके से बना सकते हैं, एक आइडिया के रूप में मैंने आपको पूरा वीडियो जो है यहाँ पे प्रेजेंट किया है। यहाँ पे अगर मैं मोटर की बात करूँ तो यहाँ पे जो हमने 1200 वोल्ट की मोटर यूज की थी, जो हम 60 वोल्ट से ऑपरेट करते थे, और स्पीड की अगर मैं बात करूँ तो उससे जो हम लोग को स्पीड 45 के आसपास में मिल जाती थी, कभी 46, कभी 48, कभी 43 इसके आसपास में मिलता था। हालांकि अगर आपको 50 के आसपास में स्पीड चाहिए 1200 वोल्ट से, तो आप क्या कर सकते हैं कि आगे पीछे का जो टायर है थोड़े पतले यूज कर सकते हैं। यहाँ पे कैसा है कि हमने इसको एक कैफे रेसर और थोड़ा इसको ब्रॉड बनाने के लिए आगे पीछे जो टायर यूज किए थे काफी मोटे यूज किए थे, जिसकी वजह से क्या आपको थोड़े बहुत रेंज में स्पीड में वेरिएशन आता है। तो अगर आपको स्पीड अच्छी खासी चाहिए और रेंज भी थोड़ा बहुत अच्छा चाहिए तो आप ट्राई करिए कि अगर आपको पतला टायर लगा सके तो पतला लगा सकते हैं, जो अपने स्प्लेंडर में नॉर्मल लगता है, ठीक। तो उम्मीद है आपकी वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया हो। और अभी तक आपने अगर LTM 360 को नहीं ट्राई किया, ऑक्टापार्ट नहीं देखा, तो उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन करूंगा, तो वहां से जाके आप देख सकते हैं। बाकी ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एक चीज, हाँ, अगर आपको सिनेमेटिक वीडियो भी चाहिए तो वो भी मुझे बता देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। I'm gonna go get some more.